प्रदेश की कमलनाथ सरकार भले ही अवैध रेत खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात करती हो, लेकिन आज भी प्रदेश में धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला रायसेन जिले में सामने आया, जहां खनन माफियाओं द्वारा नेताओं और अधिकारियों से साठगांठ कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी सख्त कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, मां नर्मदा को किया जा रहा छलनी छलनी। धड़ल्ले से किया जा रहा है रेत का अवैध उत्खनन, सरकार को लगाया जा रहा करोड़ों रुपए का चूना, नेताओं और अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन में रेत का अवैध कारोबार लगातार 1.5 महीने से चल रहा है। नर्मदा नदी से हर दिन 700 से 1000 डंपर रेत पोकलैंड से निकली जा रही है, जबकि खनिज विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित भी किया है कि नर्मदा में मशीन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बाद भी सारे नियम तोड़कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। इस अवैध कारोबार में अधिकारी सहित कई नेता लिप्त हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के साथ कांग्रेस के नेता भी कर चुके हैं। अधिकारी भी घुमा फिरा कर गुमराह कर रहे हैं। अवैध रेत के डंपर काल बनकर दौड़ रहे हैं, जो कि कई लोगों की जान ले चुके हैं। अब कई डंपर नंबर को मिटाकर दौड़ा रहे हैं। अवैध उत्खनन की जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी के नजदीक नर्मदा की गोरा रेत खदान से आ रही है, जहां करीब 1.5 माह से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी और नेता लिप्त हैं, जिस वजह से कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही है। अवैध उत्खनन के डंपर काल बनकर दौड़ रहे हैं, जिससे कुछ दिन पूर्व ही 2 लोगों की जान ले चुके हैं। उसके पूर्व में भी एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंदा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने करीब 20 डंपर आग के हवाले कर दिए थे, जिसके बाद प्रभारी मंत्री हर्ष यादव के निर्देश पर कलेक्टर रायसेन ने आदेश दिए थे कि रात्रि 6 से सुबह 6 बजे तक डंपर नहीं चलेंगे। लेकिन आदेशों को दरकिनार करते हुए डंपर के नंबर मिटाकर काल बनकर दौड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों सहित कई नेताओं में रोष देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव युद्धवीर पटेल, जो कि पूर्व कांग्रेस विधायक राजेश पटेल के बेटे हैं, उन्होंने दीपावली से पहले अवैध उत्खनन को लेकर तहसीलदार बाड़ी को ज्ञापन देकर अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की बात कही। ज्ञापन के बाद मीडिया से पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि खनन माफियाओं के द्वारा अधिकारियों की जेब भरी जा रही है, जिससे अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है और इतनी बड़ी क्षतियां हो रही हैं। एक आदमी के पास पूरे रेत खदानों के इसमें लिप्त अधिकारियों के पास पूरा पैसा पहुंचाया जा रहा है, और इस समय यहां पे स्थिति हालात बिगड़ सकते हैं, जो कि डंपरों में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उनकी मार पिटाई भी हो सकती है, उसमें हत्या भी हो सकती, उसमें गोलियां भी चल सकती हैं, आगजनी भी हो सकती है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर हुई तो इसका जिम्मेदार प्रशासन खुद। दिवाली से 2 दिन पूर्व कहा नर्मदा तट में गौरा मछबाई में रेत खदान है, जहां कुछ लोग उत्खनन कर रहे हैं। ज्ञापन हमें दिया है, इसे देखने हम जाएंगे और जांच करेंगे। गौरा मछबाई में नर्मदा जी जहां बहती हैं, वहां रेत खदान है, और वहां पे कुछ लोग जो हैं अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। तो जो ज्ञापन आज हमको दिया है, इस पर हम जाँच करेंगे, मौका देखने भी जाएंगे और खनिज विभाग को भी सूचित कर रहे हैं अभी मेरी। अब वही सुनिए, दीपावली के 5 दिन बाद कहते हैं कि हमने सीमांकन करके सीमांकन की जगह चिन्हित कर बता दी है। सीमांकन की रिपोर्ट दिवाली से पहले SDM को भेजती है, रॉयल्टी भी कट रही है। सुना आपने, दिवाली से 2 दिन पहले इनको यह नहीं पता था कि गोरा में कोई खदान है अभी या नहीं।
अब कहा कि दीपावली से पहले सीमांकन कर खदान चालू कर दी है और रॉयल्टी भी कट रही है। आपने सुना ये अधिकारी कितना झूठ और सच बोल रहे हैं। रेत खदान स्वीकृत होने की या वहाँ से रेत निकालने की अनुज्ञा जारी होने के संबंध में कोई अनुमति पत्र जिला कार्यालय से खनिज कार्यालय से जारी होते प्राप्त नहीं हुआ है, न ही ऐसी कोई सूचना मिली है। 6 नवंबर को उदयपुरा पहुंचे जिला खनिज निरीक्षक ने कहा कि शायद तहसीलदार को जानकारी नहीं होगी। 7-8 दिन हो गए खदान विधिवत संचालित है। पर्यावरण स्वीकृति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC पर्यावरण स्वीकृति को लेकर बताया गया कि एक बार मिल जाती है तो 10 साल चलती है। शायद उनको जानकारी नहीं होगी, 7-8 दिन हो गए खदान संचालित है, विधिवत संचालित है, नियम अनुसार उसमें पर्यावरण की स्वीकृति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC और सारी चीजें। सर ये पर्यावरण की स्वीकृति कब मिली इसको? ये तो एक बार मिल जाती है स्टार्टिंग में, 10 वर्ष की रहती है, जब तक खदान रहती तब तक की। सर इसमें JCB चलाने की परमिशन है क्या? नहीं, नदी में JCB नहीं चला सकते। दो JCB सर परमानेंट चल रही है 24 घंटे। रास्ता वास्ता बनाने के लिए अगर JCB ले गए, लेकिन नदी में JCB हमको अभी तक नहीं मिला, लगातार उसका निरीक्षण करते। जिला खनिज अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि खदान दीपावली बाद चालू हुई है। अधिकारी खुद अपने बयानों में फंस गए हैं। पहले दीपावली से 2 दिन पहले पता नहीं था कि खदान है या नहीं, फिर दीपावली बाद कहा कि दीपावली से पहले खदान शुरू हो चुकी है। वहीं अब 6 नवंबर को जिला खनिज अधिकारी ने कहा कि खदान 7-8 दिन से चालू है। इसका मतलब समझे आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा था। आपको बता दें 1.5 महीने लगातार रेत माफियाओं ने नेता और अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध उत्खनन किया और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। वहीं अभी भी लगातार दिन रात 2 पोकलेन और 2 JCP से गोरा खदान पर उत्खनन किया जा रहा है, जबकि पोकलेन और JCP पूरे तरह से प्रतिबंधित है। सरकार बदल गई पर पूर्व सरकार की तरह यह सरकार में भी नेता और अधिकारी रेत से सोना बनाने में लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने प्रदेश कांग्रेस महासचिव युद्धवीर सिंह पटेल से उनका पक्ष जाना। रेत उत्खनन को लेकर ये जो पुरानी प्रथा जो चली आ रही BJP के टाइम से, जी जी, और ये पुराने ठेकेदार हैं, इन्होंने 2017 से 2022 तक का ठेका लिया हुआ है जी, और ये इनके बाहुबल पे क्या, इनके पैसों के दम पे, यानी पूरे तंत्र को खरीद के जी, और अवैध उत्खनन करने का ये काम करते हैं। तो ये BJP शासन से ही चला आ रहा है जी जी, और यानी कलेक्टर और SDM तहसीलदार इन सब को यानी अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा है जी इन लोगों ने। जिस तरह से आपका कहना है कि BJP के समय से चला रहा, लेकिन आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और आप भी एक अच्छे पद पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ऐसे में क्या आपके जो आरोप है कांग्रेस सरकार जो आज के समय में प्रदेश सरकार है उसकी तरफ भी इशारा करते हैं? नहीं, हमारे वरिष्ठों से मेरी बात हो चुकी है इस विषय में जी, और जो नई नीति है वो बहुत जल्द ही लागू होने वाली है जी, ये पुरानी नीतियों पे ये काम हो रहा है जी, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो नई नीति जब आएगी जी, हमारी जी, जो कि 30 अगस्त को बनी है पूरी जी, अभी लागू नहीं हो पाई है जी जी, तो जब ये आवंटित फिर दोबारा से होंगे तो ये इस पे बहुत कुछ अंकुश लग जाएगा। जब फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उस पर किस तरह से नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी, क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार जो आपने बताया नए नियम आए हैं वो लागू होंगे तब तक क्या स्थिति बनी रहेगी, इसी तरह से चलता रहेगा? तब तक तो इसी तरह से मेरे ख्याल से, अभी इसकी लंबी लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूँ, बहुत पहले से लड़ रहा हूँ जी, और इसमें यानी जिस नर्मदा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो है रायसेन जिले के बाड़ी तहसील के गोरा खदान जी, और इसमें है एक राजेंद्र रघुवंशी ठेकेदार जी, रेत माफिया, बहुत बड़े रेत माफिया हैं जी जी, और इन्होंने ये पूरा सिस्टम यहाँ का पूरा तंत्र बिगाड़ के रखा हुआ है जी, और उप अधिकारियों के थ्रू ये सब कर पा रहे हैं जी जी जी। इसकी मैंने पूरी यानी सभी कलेक्टर महोदय को भी सूचना दे दी है जी, SDM तहसीलदार ये तो लोकल में यही ज्यादा रहते हैं जी जी, कलेक्टर महोदय जब और यहाँ कोई टीम आती है जी तो ये लोग अपनी फोकलैंड मशीनों को इधर उधर छुपा देते हैं
क्या इसकी इसकी जानकारी कहीं ना कहीं प्रशासन को होती है पहले से, या फिर इनको कोई भनक लग जाती है, कोई इनका सूचना तंत्र है जो इन्हें इस तरह की जानकारी देता है? हाँ, इन्हीं का कोई सूचना तंत्र इतना तगड़ा है कि उनके आने से पहले ही यानी ये लोग सचेत हो जाते हैं। जी जी जी, तो इसी इसी की लड़ाई में लड़ रहा हूँ जी। और एक एक मशीन जो है जी, वो 1000 मजदूरों का काम छीन लेती है जी। सर वो मशीन नर्मदा नदी में न चले जी जी, तो 1000 मजदूरों का घर का चूल्हा जले। कहीं ना कहीं आपका एक ये इशारा भी है कि रेत उत्खनन जो अवैध रूप से होता है वो बंद हो, साथ ही मशीनों का भी उपयोग न किया जाए। हाँ, मशीनों का तो कहीं से कहीं तक कोई प्रावधान ही नहीं है कि मशीनों का उपयोग किया जाए। हमारी लड़ाई यही है कि भैया ये मशीनें छोड़ के आप मजदूरों से काम करा लें, ताकि 6 मशीनें चल रही हैं अब ये गोरा खदान में जी। तो 6000 लोगों 6000 मजदूरों का काम उन्होंने प्रभावित कर रखा है जी जी। तो 6000 मजदूरों का चूल्हा जलेगा तो उससे कोई गुनाह है क्या? मतलब कोई युद्धवीर सिंह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक तरह की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपके क्या लगता है आपको, क्योंकि आप ही सरकार आज फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस सरकार है प्रदेश में, और एक तरफ बीजेपी, उसको भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा उंगली उठाने का, और दूसरी बात ये कि जो अधिकारी प्रशासन पक्ष है, तो तीन तरफ से आपके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव नहीं बनेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, अगर कुछ गलत होता है तो किस चीज का दबाव? और क्या, मैं गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता हूँ और क्या जी, जी, ये मेरा सिद्धांत पहले से ही है और क्या जी, 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 कुछ गलत तो मैं होने नहीं दूंगा अपने क्षेत्र में, तो कतई नहीं होने दूंगा और क्या जी, और माँ नर्मदा से हमारे लोगों की सबकी आस्थाएं जुड़ी हैं जी, तो अगर कोई गलत काम होता है तो वो मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है और क्या। तो युद्धवीर सिंह जी, क्या लगता है कब तक आप ही अपना युद्ध जीत जाएंगे, कब तक की लड़ाई जीतेंगे, कब तक इसका निराकरण होने की? हमारे वरिष्ठों ने दो महीने का समय दिया है कि भैया 2 महीने में नई नीति जो लागू होगी फिर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी जी। तो मैं तो वैसे ही 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ जी, 2 महीने और सही और क्या, मैं तो अपना संघर्ष जारी रखूंगा ही और क्या जी। यानी कि आपने आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं बीजेपी पर, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, तो आपको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अब ये जो गतिविधियां हैं बंद होंगी? जी बिल्कुल बंद होंगी, मुझे यानी अपने मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी पर पूरा भरोसा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोजपुर न्यूज के एडिटर इन चीफ देवेंद्र सिंह से। जी देवेंद्र जी, बताइए क्या कुछ है पूरा मामला? जी कपिल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जब भाजपा सरकार भाजपा जब सरकार में थी तब कांग्रेस ने सीधा सीधा भाजपा के ऊपर लगातार रेत को लेकर हमले बोले थे और लगातार आरोप लगाती चली आ रही थी, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार को रेत माफिया तक कांग्रेस ने बता दिया था, और अब जो है कि कांग्रेस की सरकार है उसके बावजूद इसके भी रेत का उत्खनन लगातार जारी है। स्थिति ये है कि कांग्रेस के खुद लोग प्रशासन को शिकायत कर रहे हैं, बावजूद उसके भी रेत का उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो खदानें हैं इन खदानों में मशीन से आप किसी प्रकार की रेत का उत्खनन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मजदूरों से ही सारे काम कराने हैं। बावजूद इसके बेखौफ और खुलेआम आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पोखलैन मशीन, जेसीबी मशीन इन डंपरों को भर रही है और खुलेआम ये सारी चीजें चल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आला अधिकारियों को की जानकारी में नहीं है, ये माइनिंग की जानकारी में है, पुलिस की जानकारी में है, कलेक्टर की जानकारी में पूरा मामला, बावजूद उसके भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्या लगता है, वजह क्या लगती है आपको? जैसा कि युद्धवीर सिंह जी जो प्रदेश महासचिव इस वक्त कांग्रेस की, और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, जैसा कि लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कांग्रेस रेत उत्खनन को लेकर, लेकिन आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है उसके बावजूद ये सब लगातार जारी है, और ऐसे में जो महासचिव है वो शिकायत करते हैं, वो आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति बनती, क्या कहा जाए इसको? देखिए कपिल जी, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि जिनकी सरकार जी, वही लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं अवैध उत्खनन का, तो इससे आप जो साफ तौर पे देखा जा सकता है, ये रेत का जो खेल है वो सिर्फ बीजेपी में ही नहीं था जी। ये कांग्रेस की सरकार में भी रेत का खेल जो है कि बादस्तूर जारी है।
और उसके परिणाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। प्रदेश महासचिव खुद शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने कई जगह शिकायत की है। और उसको मैं एक चीज बता दूं, जो रेत के जो अवैध रूप से भरे हुए डंपर हैं या जो ओवरलोड डंपर हैं वो बेखौफ रोडों पर दौड़ रहे हैं। उस पिछले बार भी ये बाड़ी क्षेत्र में आग जनी हुई थी, करीब एक दर्जन डंपरों को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई थी डंपरों से। उसके बाद भी रेत का जो है कि जो जिस तरीके से गोरख धंधा है ये साफ तौर पर चलता जा रहा, लगातार इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश के मुखिया को नहीं मालूम या प्रदेश के खनिज मंत्री को नहीं मालूम, खनिज मंत्री को भी सारी जानकारी है, क्योंकि लगातार मीडिया इन मामलों को लगातार उठा रहा है। बावजूद उसके भी ये जो रेत है, जो मशीन है, जो खदानों में वो मशीनें बराबर चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं शंका तो पैदा होती है। देखिए, अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आती है इसमें, अधिकारियों के बाद जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आती है इसमें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस समय ना बीजेपी कुछ इस पे एक्शन बोल रही है और ना ही कांग्रेस के लोग रेत पर ज्यादा कुछ बोल पा रहे हैं। लेकिन देवेंद्र जी, जैसा कि हम देखते आए हैं, कांग्रेस हमेशा बीजेपी को घेरती आई है, तो क्या इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल सकता है, बीजेपी को भी कुछ ना कुछ बयानबाजी अगर बीजेपी तरफ से होती, जैसे कि कांग्रेस के खुद के नेता ही आवाज उठा रहे हैं, तो मिलीजुली पूरी कुश्ती है यहाँ पर रेत के खेल को लेकर। जी बिल्कुल कपिल जी, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अब बीजेपी को पूरा मौका है कांग्रेस को घेरने का। जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा लगातार, उस तरीके से बीजेपी के पास मौका है, क्योंकि बीजेपी की सरकार 15 साल रही जी, और 15 साल रेत का आप और हम और सभी लोगों ने देखा है कि रेत का खेल किस तरीके से चला है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की जो नेता है उनकी भूमिका भी संदिग्ध है, जिसके कारण वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा मामला है रेत का, तो जो बीजेपी के लोग जो पहले रेत से लाभ ले चुके हैं, हो सकता है कि अब कांग्रेस के लोग उसको लाभ लेने की कोशिश कर रहे हों। क्योंकि पहले हम बताएं आपको, उदयपुरा विधायक ने भी रेत को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे लगातार। जो आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये गौरा जो एक खदान है बाड़ी तहसील के अंतर्गत आती है, उस खदान की ये तस्वीरें हैं। इसी खदान को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं देवेंद्र पटेल, उनने भी काफी हंगामा मचाया था, लेकिन उसके बाद अब वो भी मौन हो गए। समझ नहीं आता कि लगातार जिस तरीके से आप विरोध कर रहे थे उसके बाद आपका विरोध अचानक बंद हो जाता है, तो ऐसा क्या होता है कि आपका विरोध बंद हो जाता है। मैं आपको बताऊं, वहीं सीहोर जिले की बात करें, बुधनी की बात करें या होशंगाबाद की बात करें, यहाँ भी रेत को लेकर बुरी स्थिति है। क्या होता है, हम जब इस तरीके की खबरें दिखाते हैं या फिर अधिकारियों को जब इस तरीके का मामला बोलते हैं, जैसे कि अब खदान में जो है कि पोखलन मशीन और जेसीबी चल रही है जो कि प्रतिबंधित है, बावजूद उसके प्रशासन के लोग उन पोखलन मशीनों पर कार्रवाई करने की बजाय 5 ट्रक रेत के डंपर रोक लेंगे और फिर दिखा देंगे कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, कार्रवाई आपको रोड पे नहीं, कार्रवाई आपको खदान में करनी है। वो अवैध रूप से जो कारोबार चल रहा है वो खदान के अंदर चल रहा है। अगर खदान के अंदर अगर जेसीबी और जो पोखरण मशीनें चल रही है, मशीनें हट जाएंगी तो डंपर और ट्रक भराएंगे कैसे, मजदूरी भरेंगे ना, मजदूर को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार की दिशा में कोई नहीं है। अब आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार की दिशा में सबका दिमाग लगा हुआ है। जी जी जी, यानी केवल खाना पूर्ति की जाती है इस तरह की कार्रवाई दिखाकर। और जिस तरह की लगभग इस तरह की खबरें हमेशा आती हैं, क्या लगता है आपको, इस बार कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर ऐसे ही ढर्रा चलता रहेगा? देखिए कपिल जी, ऐसा है कि जिस तरीके से जो इस बार और पिछले बार जितने भी बार इस तरह की कार्रवाई हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। मैंने भी आपको बताया कि खदान के अंदर कार्रवाई की जगह अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो रोडों पर कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ डंपरों को पकड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि डंपर पकड़ रहे हैं और डंपरों पर विधिवत कोई कार्रवाई भी नहीं होती, डंपरों में भी सब मिलीभगत हो जाती है। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी लगभग पिछले हफ्ते की बात है, जब होशंगाबाद में कुछ डंपरों को पकड़ा गया था जिनके पास रॉयल्टी भी थी, अंडरलोड भी थे, बावजूद उसके उन पर कार्रवाइयां लगातार की जा रही थी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अधिकारी और जो जिम्मेदार जो संबंधित जो अधिकारी है वो सिर्फ खाना पूर्ति करके ही इस मामले को रफा दफा कर देंगे, क्योंकि सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक यहाँ की कार्रवाई होगी नहीं, बड़ी कार्रवाई। जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके से नियमों का पालन होना चाहिए, उन नियमों का पालन तभी होगा जब सरकार चाहेगी। जी जी, जी बिल्कुल देवेंद्र जी, अब देखने वाली बात होगी कि भोजपुर न्यूज ने जब इस तरह की ये खबर को उठाया है तो आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन या फिर कमलनाथ सरकार क्या एक्शन लेती है इसके बाद। फिलहाल पूरी जानकारी चर्चा के लिए हमसे धन्यवाद। भोजपुर न्यूज के लिए देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।